इस श्रृंगार ग्रंथ में अपने नख से सिख तक की शोभा का वर्णन चार बार किया है। यह श्रृंगार ग्रंथ हमें मारिफत के दरवाजे पर ले जाता है। मारिफत किसको कहते हैं? जिसमें हमारे और धनी के बीच में कोई पर्दा नहीं रह जाता, दोनों एक स्वरूप हो जाते हैं। और यही वह ग्रंथ है जिस पर जागनी ब्रह्मांड का मुद्दा खड़ा है। खेल का कारण जो बना था, अक्षरातीत के द्वारा अपनी पूर्ण पहचान देने का जिसके लिए रब्द हुआ था, उसमें बिना श्रृंगार ग्रंथ के यह निर्णय ही नहीं हो सकता था कि रूहें राज्य के ही स्वरूप हैं। और इस ग्रंथ में जो यह चौपाई आती है, अर्श बका की हकीकत, माहे लिखी कते वेद, खोले जमाने का खमंद और खोल न सके कोई भेद। जब से यह सृष्टि पैदा हुई है, 1,96,08,53,122 वर्ष हो गए इस सृष्टि को। और सृष्टि के प्रारंभ से ही वेद का प्रकटन हुआ, उसकी व्याख्या में उपनिषद लिखे गए, दर्शन शास्त्र लिखे गए, कते परंपरा में तौरे तिंजिल जम्बूर का अवतरण हुआ, किंतु यह वाणी अक्षरातीत की इस ब्रह्मांड में प्रकट हुई है। और वाणी के लिए क्या कहा जा सकता है कि यह क्या है? अक्षरातीत के हृदय में इल्म का अनंत सागर जो उमड़ रहा है, उस सागर की अकबूत महामती जी के ध्यान हृदय में आती है और वह स्वयं सागर बन जाती है।